भीनवाल से आए, वहां से दर्शन कर लेंगे गंगा माई के। और राजा बलि को रोका था उस टाइम की, ये 7000 से 8000 वर्ष पुराना महादेव जी का बांधने का, तो ये गेहूं वगैरह रखे हुए हैं तो ये पाड़ बांधने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त राजकुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉस्टल राज ऑफिशियल पर। बिलड़ा एक ऐतिहासिक नगर है। सतयुग में हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में इसी बिलड़ा स्थान पर प्रकट हुए थे, तो यही वो ऐतिहासिक नगरी बिलड़ा है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के पुत्र विरोचन ने बिलड़ से ही अपने राज्य का संचालन किया था और राजा विरोचन की मृत्यु के समय उनकी 9 रानियां, जिनको आज इतिहास में 9 सतियों के नाम से जाना जाता है, वो यही नगरी बिलड़ा है जो आपको पीछे वीडियो में दिखाई दे रही है। और ये गेट है गंगा माई के मंदिर, गंगा के गेट में अंदर आते ही यहाँ पर एक महादेव जी का मंदिर है जो बहुत ही पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। लगभग कि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि 7000 से भी पहले का मंदिर है। तो स्थानीय लोगों से हमें पता चला है ये मंदिर भूतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो मंदिर ऊपर की साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत ही पुराना है, इसीलिए जर्जर अवस्था में है, ऊपर से काफी पत्थर नीचे भी गिर चुके हैं। ये 9 सतियों का बाणगंगा विरोचन के 10 रानियां थी, तो जो 9 सती हो गई थी उनकी यादगार में ये समाधि स्थल बनाया हुआ है। तो एक को सती नहीं होने दिया था, तो एक को सती इसलिए नहीं होने दिया था कि उनकी कोख में राजा बलि थे, जिनकी यादगार में आज भी 9 सतियों का मेला अमावस्या के हजार वर्षों से बाणगंगा पर लगता है। तो बताएंगे आपको गंगा माई के मंदिर का व्यू भी। तो यहाँ से गेट से थोड़े से अंदर आते ही ये गंगा माई का पुराना मंदिर था पहले यहाँ पर, तो 2015 में वापस जीर्णोद्वार करा के मंदिर वापस बनाया गया है यहाँ पर। और जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये भीड़ गंगा माई के दर्शन करने की भीड़ है यहाँ पे। ये उस टाइम का मंदिर था जो 2015 में जीर्णोद्वार कराया गया है, दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने भी आते हैं। और आज पूनम का दिन है इसलिए यहाँ पर गंगा माई की पूजा होती है, इसलिए दूर दूर से यहाँ पर औरतें भी आई हुई है। तो माता जी आप कहाँ से आए? भीनवाल से आए, वहाँ से दर्शन कर लेंगे गंगा माई के, बहुत दूर से आए फिर तो। आप सारे साथ में हो, सब बस लेके आए सब? अरे जहाँ पर राजा बलि ने सतयुग में उस टाइम बाण मारा था तो गंगा मैया निकली थी, तो वो जगह है, वो भी हम आपको बताएंगे। एक बार सतयुग में राजा बलि के राज्य में अकाल पड़ा था, तो चारों तरफ पानी के लिए तरह तरह मच गई थी। गंगा मैया को आमंत्रित करने के लिए राजा बलि ने जमीन पर बाण चलाया था, तो उससे गंगा मैया निकली थी। तो ये कुंड जो आपको दिखाई दे रहा है, तो उस समय राजा बलि के बाण से निकला हुआ कुंड, उस समय राजा बलि ने बाण मारा था, उस समय से ये स्थल आज भी प्रमुख तीर्थ स्थलों में बना हुआ है। तो माता जी आप पूजा कर रहे हैं माता यहाँ गंगा मैया की, तो यहाँ पर पूजा किस तरह से होती है? ये पूनम का वो सब लेके आते हैं, नारियल वगैरह, फिर उधर वो पार बोलते ऐसे के पार बांधने का, हाँ, तो पाल बांधने का, हाँ, तो ये गेहूँ वगैरह रखे हुए हैं तो ये पाल बांधने के लिए, हाँ, एक साल में 11 13 आती है, एक साल में 13 अले एक साल पूरा करने का 13 आती है, 13 पूरा करने का एक साल में, मतलब 13 बार करना पड़ता है पूरा करने के लिए। इधर काम काम दूसरे काम जाने का तालाब पूछने के लिए। ये राजा बलि का मंदिर है और ये मंदिर का मुख्य द्वार है। ये मंदिर पिचियाग नामक गांव के पास में स्थित है जो NH-25 पे स्थित है। और जब राजा बलि ने 99 यज्ञ किए थे उस टाइम ये नाड़ी जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है वो घी से पूरी लबालब भर गई थी। और आज भी जब ये पानी से भर जाती है तो उसके ऊपर एक घी की परत सी दिखाई देती है। बताते हैं आपको मंदिर, ये राजा बलि का मंदिर है। राजा विलोचन के जो 9 रानियां थी जो आपको पहले हमने बताया था वहां पर बाणगंगा में सती हुई थी, जो 10वीं रानी थी, तो उनकी कोख से राजा बलि जन्मे थे। तो ये मंदिर है उनका, तो ये यहाँ पर पहले ऐतिहासिक मंदिर था, तो अभी वापस पुनर्निर्माण हो रहा है मंदिर का। ये पूरे संगमरमर के पत्थरों से उसके ऊपर कारीगरी करके अब मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये राजा बलि का मंदिर है। राजा विलोचन की 10वीं रानी की संतान, जो आज
दानवीर राजा बलि के नाम से जाने जाते हैं, ये उनका भव्य मंदिर बन रहा है, पूरे संगमरमर के पत्थरों से बन रहा है। तो राजा बलि नीचे बैठे हुए हैं और उनके सर के ऊपर पैर रख के भगवान विष्णु, जो कि वामन अवतार का धारण रूप धारण करके उनके सर के ऊपर पैर रख के खड़े हुए हैं। तो इस मूर्ति का एक रहस्य भी है, ये रहस्य ये है कि राजा बलि के 99 यज्ञ संपन्न होने के बाद 100वां यज्ञ कर रहे थे, तब 100वें यज्ञ को रोकने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार करके आए थे और दान में 3 पग जमीन मांगी थी, 2 पग में ब्रह्मांड और पृथ्वी को नाप लिया था। जब भगवान विष्णु ने कहा 3रा पग कहाँ रखूँ, तब राजा बलि ने कहा 3रा पग मेरे सिर पर रख दो। जैसे ही 3रा पग सिर पर रखा तो राजा बलि को पाताल में भेज दिया। बलि राजा की बैल है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, इसको हम रथ भी बोल सकते हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। और राजा बलि की और तस्वीर भी लगी हुई है एक अंदर, जो कि राजा बलि भगवान विष्णु जब वामन अवतार करके आए थे तो उनको दान कर रहे हैं, उसकी तस्वीर लगी हुई है।